हेलो गाइस, मैं आ चुकी हूँ दीपमाला ब्लॉग एंड रेसिपी में आपका स्वागत है। आधा किलो मैंने मैदा ली है, इसमें डालेंगे नमक, अजवाइन क्रश करके, कस्तूरी मेथी ये भी मैं क्रश करके डालूंगी। अब सबको ऐसे करके कटोरी मैंने घी लिया है, अब इसको मैंने पिघला लिया था, अब इसको इसमें डालूंगी और इसको हल्के हाथों से मिलाऊं। मेरा मोन बिल्कुल सही पड़ा है, देखिए इसका लड्डू बनना, यानी एक तो मोन होता है लड्डू बन जाए तो। अब इसमें हम गुनगुना पानी, पानी की छींटे हम मार मार के एक अच्छा सा डो बनाना है, और मैंने एक गुनगुना पानी लिया है। आपको थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाना है, ये नहीं एकदम डाल दिए, जितने पानी की आवश्यकता हो बिल्कुल तैयार है। अब इसकी थोड़ा सा आटा लेंगे, ऐसे करके एक पाटे पे रख लेंगे, हाथों की सहायता से हमें इसके ऐसे करके रोल कर बना लिए। अब हमें एक कद्दूकस लेंगे, छेद ना करने पड़े इसलिए इस पर बेल लेंगे ऐसे करके, देखिए ऐसे हमें छेद नहीं करने पड़ेंगे, ऐसे आपको थोड़ी गुदारी गुदारी हमें बेल लेनी है सारी, ऐसे करके सब बेल लेनी है। आर पार छेद हो जाए ऐसे मुझे, देखिए सारी मेरी बिल चुकी हैं, अब मैंने इसी कद्दूकस से बेलनी है सारी, बिल्कुल रेडी है। अब हम चलते हैं, सारी मेरी बिल के रेडी हो गई हैं। इधर मैंने गैस ऑन कर दी है, कढ़ाई रख दी है, ऑयल लगा दिया, ऑयल भी मेरे अच्छे से हो गया है। आपको ज़्यादा हाई भी नहीं करना है, मीडियम करना है। आप हाथ से चेक कर लीजिए कि धुआं आ रहा है या नहीं आ रहा है, या मतलब आँच लग रही है नहीं लग रही है, यानी कि आँच लग रही है। अब हम इनमें डालेंगे मटरी, देखिए उलटते पलटते मैंने इनको अच्छे से गोल्डन ब्राउन कर लिया, लाइट कलर का, देखिए कितनी अच्छी मेरी फ्राई हुई है, क्योंकि बाद में जो गैस है मैंने स्लो कर दी क्योंकि अंदर तक सिक जाए। अब बिल्कुल मेरी रेडी, अब इसको मैं दूसरे बैच की भी मैं फ्राई कर लूँगी, सारी मैं डाल दूँगी फटाफट। पहले हमें हाई रखनी है, फिर गैस को स्लो कर देना है क्योंकि हमें अंदर तक सेकनी है, ऐसे आपको फटाफट डाल देनी है। मटरियाँ फ्राई हो गई, अब इसको हम निकाल लेंगे एक प्लेट। मटरियाँ बिल्कुल मेरी तैयार हो गई है, अब हम दूसरा नाश्ता रेडी। इसमें डालेंगे हमने 250 ग्राम मैदा लिया, अच्छे से छान के एक तसले में रख लिए। अब डालेंगे नमक, क्रश करके अजवाइन, अच्छे से हाथों से मुआइन, अच्छे से इसको मिला दूंगी खूब अच्छे से। अब जितना लड्डू बन जाए आपको इतना मोइन, मोइन में लड्डू बनना है, यानी कि अच्छे से मैंने घी को मिला दिया। अब गुनगुना पानी डाल के इसका एक डो बना लेंगे। डो मेरा बिल्कुल तैयार है, देखिए मैंने सॉफ्ट डो लगा लिया। अब इनका क्या काम करेंगे, लोइयां बना लेंगे इसकी, इतनी बड़ी बड़ी दो, मुझे दो लोइयां बना लेनी है। ज़्यादा मोटी नहीं देनी है हमें, थोड़ी सी पतली देनी है। बिल गई है, अब इसको मैं प्लेट में रख दूंगी, अब इसको बेल दूंगी दूसरी वाली को, लोई के ऊपर दूसरी लोई हम रख लेंगे। अब इसको फिर से बेलेंगे, इसको ऐसे करके आधा ढक्कन से काटते चलेंगे, देखिए ऐसे करके आपको सारे काट लेने हैं, देखिए ऐसे काजू आपके निकलते जाएंगे, देखिए फटाफट आपको ऐसे काटने हैं, देखिए। बोतल का ढक्कन ले लीजिए और आप ऐसे काजू को ढक्कन लगाती जा रही हूँ और काजू को फटाफट काटती जा रही हूँ, ऐसे करके आपको सारे काजू काट, सारे काजू मैंने बिल्कुल काट के रेडी कर लिए। अब हम चलते हैं, तेल लगा हुआ है, तेल हमारे अच्छे से हो गया है, हम सब सारे काजुओं को डाल देंगे। फ्लेम पहले आपको हाई रखनी है, फिर आपको स्लो कर देनी है क्योंकि हमें अंदर तक सेकनी है। तो मैंने बहुत अच्छे से फ्राई कर लिया, और काजू का कलर हमें लाइट ही रखना है, ये काजू बिल्कुल व्हाइट होते हैं इसलिए इनका कलर भी लाइट रखना है। अब ऐसे एक प्लेट में इसके भी हम फ्राई कर लेंगे सारे, दो बैच में मैंने सारे फ्राई कर दिए थे। इनको उलटते पलटते इनको भी अच्छे से हमें, देखिए उलटते पलटते हुए मैं बहुत अच्छे से फ्राई कर रही हूँ। अभी थोड़ी से मुझे और फ्राई मेरे तैयार है, देखिए काजू कलर के। अब इसको मैं एक प्लेट में निकाल लूंगी, तेल निचुड़ जाएगा तभी थोड़े से इसमें लाल मिर्च डालूंगी, थोड़ा सा इसमें चाट मसाला डालूंगी,
आप जो डालना चाहें डाल सकते हैं, पहले भी मैंने नमक डाला था इसीलिए मुझे ज़्यादा नहीं डालना है। स्वाद के लिए थोड़ा सा चाट मसाला डालना है और थोड़ी सी लाल मिर्च। अब इनको हाथों से गरम गरम भी ऐसे कर। काजू और मटरी मेरे बिल्कुल तय। अब मैंने आधा किलो से कम बेसन लिया, कम से कम ये आधा किलो बेसन होगा, पूरा नहीं है, थोड़ा सा उससे कम है। अब इसमें मैं डालूंगी सारे मसाले, हींग, पिसी मिर्च, चिली फ्लेक्स, हल्दी, ये डाल दूंगी मैं इसमें। नमक डाल दूंगी स्वाद अनुसार, क्रश करके अजवाइन डाल दूंगी, थोड़ी सी कस्तूरी मेथी क्रश करके डाल दूंगी, ऐसे हाथ से मसल के डाल देंगी, इससे एक अच्छा सा टेस्ट आ जाएगा। अब इसको अच्छे से चम्मच इसमें ऑयल डाल देंगे, ज़्यादा नहीं डालना है आपको, एक बड़े चम्मच ऑयल डाल देना है। इसको भी मिला देंगे हाथों की सहायता से। दो उबले हुए आलू लिए मैंने, उसको कद्दूकस कर लिया, वो भी मैं इसमें मिला दूंगी। जो दो आलू मैंने कद्दूकस करके उबाल के रखे थे, अब इनको हाथों की सहायता से बेसन में अच्छे से मिला देंगे। इसमें पानी की छींटे लगाएंगे, ज़्यादा आपको खट्टा पानी नहीं डालना है, हल्की हल्की छींटे मारते जाना है और मलते जाना है। और ढीला इसका डो, मैंने ढीला ढीला डो लगा लिया, देखिए बिल्कुल सॉफ्ट डो लगाना है। अब थोड़ा सा हाथों में और लगा लीजिए और थोड़े से डो को उठाइए और ऐसे करके ये मशीन है इसमें लीजिए और डाल दीजिए। अब इसको ऐसे करके बंद कर देना। अब हम चलते हैं गैस की तरफ। गैस ऑन कर दी है, ऑयल हमारा अच्छे से हो गया है। अब इसको ऐसे करके घुमाते जाएंगे। गैस को हल्की कर देंगे, अभी को अच्छे से हम फ्राई कर, अच्छे से फ्राई होगा, अभी हम निकाल लेंगे प्लेट में। इसको मैंने तोड़ दिया, अब इसको अच्छे से सेक लेंगे। मैंने बहुत अच्छे से फ्राई कर लिए, दो बैच के मेरे फ्राई हो गए, भर लिया। अब चलते गैस की तरफ। अब हम तीसरे बैच के भी डाल दिए मैंने, मेरे लास्ट के भी बैच के बिल्कुल फ्राई होगा। अब इसको मैं निकाल लूंगी और बेसन किस्से मेरे बिल्कुल होली स्पेशल, मेरे बेसन किस्से बिल्कुल तैयार है। मैं आपको इनको तोड़ के भी दिखाती हूँ, देखिए कितने क्रिस्पी बने हैं। अब हम इसके बाद और एक नाश्ता ट्राई करते हैं और आगे चलते। एक बड़ी कटोरी मैंने मैदा लिए, इसको छान दूंगी। एक आधी कटोरी, एक छोटी कटोरी मैंने आटा लिया, इससे आधा, इससे मैंने मेजरमेंट किया था, एक कटोरी मैदा तो आधा कटोरी आटा, इसको छान लेंगे। मैंने सूजी ली, इसको भी इसमें मिला दूंगी। अब चलते हैं, फिर रख दिया, इसमें मैं घी पिलगा रही हूँ, ये मुझे अपने शक्करपारे में डाल लें। अब इसको हम उतार लेंगे नीचे। इस पे मैंने बूरा ली है और इसी घी में मैं मिला दूँ। आप ज़्यादा मीठा खाना चाहें तो आप ज़्यादा मिला सकते हैं। मैंने एक बड़ी कटोरी आटा लिया था तो छोटी कटोरी भर के चीनी ले ली, इसे मिला लेंगे चम्मच से। घी और बूरा को हम इस आटे में हाथों से बहुत अच्छे से इसमें मिला डाला था, उसका लड्डू बनना है। देखिए इसके मतलब मोन भी सही है। अब इसमें थोड़ा सा हल्के गुनगुने पानी की छींटे, काजू छोटे छोटे काट लिए, अगर आप ना डालें तो ऑप्शन है, मैं डाल रही हूँ तो मैंने काजू डाल दिए। अब मैं पानी की छींटे मारती जाऊँगी, गुनगुना पानी है, और इसका एक डो बनाती जाऊँगी।
देखिए इतना अच्छा मैंने दो लगा लिया है। अब इसकी हम लोइयाँ काट लेंगे, हाथों में ऑयल जरूर लगा लीजिए। अब इतनी बड़ी एक लोई लेंगे और इस पाटे पे रखेंगे, थोड़ा सा तेल लगाएंगे और मोटी मोटी बेल लेंगे। बेल लिए, अब इस ढक्कन से मैं कट कर लूँगी। देखिए ऐसे करके मुझे सारे शक्कर पारे को ढक्कन से कट, मैंने काट के सारे शक्कर पारे रख लिए। देखिए कुल गोल गोल थोड़े मोटे मोटे काट कर लेने, आप ऐसे मैं सारे तैयार कर लूँगी। कट कर लिए हैं, लोई बना बना के बेल बेल के कट कर लिए। अब हम चलते रख दी है, तेल भी हमारा अच्छे से हो गया और गैस को मैंने स्लो कर दिया। अब इन शक्कर पारे को मैं इसमें डालूंगी, बिल्कुल स्लो गैस कर देनी है आपको। सारे शक्कर पारे डाल देनी फटाफट, डाल दी है और उलटते पलटते इनको हल्की धीमी आंच कर दिए, खूब अच्छे से अंदर तक मुझे सेकनी है। देखिए और ये मेरे अब अंदर तक सिक जाएंगे। अब इसे हम प्लेट में निकाल के भी मैं डाल दूंगी सारे। फ्राई हो गया, अब इसको भी मैं प्लेट में निकाल लूँ। फ्राई हो गया, इसको भी मैं प्लेट में निकाल। होली स्पेशल मेरे सारे नाश्ते तैयार हैं। अगर आज आपको मेरे सारे नाश्ते पसंद आए तो आप इसे बना के देखिए और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलेंगे नई रेसिपी के साथ। बाय, हैप्पी होली।